हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर समन सिद्दीकी, एसोसिएट प्रोफेसर जॉलजी फ्रॉम भारती यूनिवर्सिटी. एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक, विच साइटेशन शुड यू यूज और विच साइटेशन स्टाइल शुड यू यूज. आप किस प्रकार के साइटेशन स्टाइल्स यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर सब्जेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन योर यूनिवर्सिटी. ओके, सो हमने कल देखा है APA स्टाइल एंड MLA स्टाइल, एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद शिकागो स्टाइल और आगे भी हम देखेंगे. सो स्टार्टिंग विथ शिकागो स्टाइल, व्हाट इज शिकागो स्टाइल? शिकागो जो होता है, शिकागो स्टाइल इज पब्लिश बाय द शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल. करेक्ट, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल. एक्चुअली देर आर टू वेरिएशंस, विच इज शिकागो ए एंड शिकागो टू. शिकागो ए स्टाइल में हम देखते हैं, यू साइट द सोर्स इन फुट नोट एंड एंड नोट. हम जो सोर्स साइट करते हैं फुट नोट और एंड नोट में, विच इज कॉल्ड शिकागो ए स्टाइल. इन केस ऑफ शिकागो बी स्टाइल, यू यूज पैरेंथेटिकल ऑथर डेट साइटेशन इन टेक्स्ट. आप क्या करते हैं, ऑथर डेट साइटेशन ही करते हैं डायरेक्टली टेक्स्ट में. करेक्ट, अब हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्जाम्पल्स ऑफ शिकागो ए स्टाइल एंड शिकागो बी स्टाइल. सो स्टार्टिंग विथ शिकागो ए स्टाइल, आप देख सकते हैं शिकागो इन साइटेशन. द बुक यूजेस, हम फिर से वही देखते हैं, द बुक यूजेस स्टोरीज फ्रॉम द ऑथर्स ओन लाइफ एक्सपीरियंस टू मेक द केस फॉर अ क्रिएटिव रिवोल्यूशन इन द बिजनेस वर्ल्ड. देखिए यहाँ पे वन लिखा हुआ है, ठीक है. अब देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, द वे स्टीवर्ट एंड मार्क साइमंस. ये क्या है, शिकागो बिब्लियोग्राफी है ना, शिकागो स्टाइल फुट नोट. द वे स्टार्ट्स मार्क साइमंस कॉमा द बिजनेस प्ले ग्राउंड हैपेंस वेयर क्रिएटिविटी एंड कॉमर्स कोलाइड बार्कले ब्रैकेट के अंदर बार्कले न्यू राइडर प्रेस कॉमा 2010 ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप. ओके, अब देखते हैं हम स्टीवर्ट कॉमा द वे, अब देखिए इसको कैसे चेंज हुआ है, एंड मार्क साइमन फुल स्टॉप, देर इज नो कॉमा. करेक्ट, द बिजनेस प्ले ग्राउंड वेयर क्रिएटिविटी एंड कॉमर्स कोलाइड फुल स्टॉप ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, बार्कले हाइफन्स न्यू राइडर्स प्रेस कॉमा 2010. So this is what the Chicago style is. This is an example of Chicago style. A. अब हम देखते हैं. Now coming with Chicago B example. Chicago B style examples. So what is the Chicago B example? देखिए. The book uses stories, success stories from the author's own life experience to make the case for a creative revolution in the business world. In bracket, Stewart and Simons 2010, comma 22, bracket close, full stop. Okay, but in, देखिए क्या लिखा है, Chicago reference list. ठीक है, Stewart, comma the way and Mark Simons, full stop, 2010. देखिए यहाँ पे 2010 यहाँ आया है. The business playground where creativity and commerce collide. Bracket यहाँ नहीं है, Barclay New Rider Press. Correct. So this is the basic difference between Chicago A style and Chicago B style. हम जो कि footnote में use करते हैं और end note में भी use करते हैं, ठीक है. So now starting with Turabian. So what is Turabian style? Turabian style क्या होता है, ये based होता है Chicago style पे. Was developed based on Chicago style. It is not really a separate style. ये कोई separate style नहीं होता है, just an application of Chicago rules. ये क्या होता है, शिकागो रूल्स का एक एप्लीकेशन होता है. टू नीड ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है पेपर लिखने के लिए, थीसिस के लिए या डिजर्टेशन के लिए, ठीक है, जैसे कि शिकागो स्टाइल. सो जस्ट लाइक शिकागो स्टाइल, ट्यूराबियन हैज़ टू साइटेशन. ट्यूराबियन के भी दो साइटेशंस है, जैसे कि हमने देखा है शिकागो स्टाइल में भी शिकागो ए एंड शिकागो बी है, टू वेरिएशंस आर देयर. वैसे ही ट्यूराबियन में भी टू साइटेशन ऑप्शन है, वन इज अ नोट सिस्टम एंड अनदर वन इज एन ऑथर डेट सिस्टम. ओके, नोट सिस्टम एंड ऑथर डेट सिस्टम. सो द नोट सिस्टम इज यूज्ड इन ह्यूमैनिटीज़. हम ये देखते हैं कि जो नोट सिस्टम है वो ह्यूमैनिटीज़ में अप्लाई होता है, यूज़ होता है. ह्यूमैनिटीज़ में लिटरेचर हो गया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री एंड आर्ट्स. ओके, वाइल द ऑथर डेट सिस्टम इज़ यूज्ड इन सोशल साइंसेज. So this is the two basic differences in Turabian styles. So हम इसका example देखते हैं. Turabian note citation, okay? The book uses success stories. फिर वही मैं read करूँगी.
from the author's own lived experience to make the case for a creative revolution in the business world. Okay, Turabian footnote, first reference to the source. क्या लिखा है? Turabian footnote, first reference to the source. हम देखते हैं डवे. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वन, ठीक है, ये हुआ दवे, स्टीवर्ट एंड मार्क साइमंस. इसके पहले हमने जो साइटेशन स्टाइल्स देखे हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं, तो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टाइल आपको यूज़ करना है, कौन से स्टाइल में कॉमा कहाँ आएगा, फुल स्टॉप कहाँ आएगा, ब्रैकेट कहाँ आएगा, ईयर कहाँ आएगा, ऑथर नेम आएगा, डेट आएगा, पेज नंबर आएगा, ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो Turabian स्टाइल में हम देखते हैं द बिजनेस प्ले ग्राउंड वेयर क्रिएटिविटी एंड कॉमर्स कोलाइड इन ब्रैकेट बार्कले हैपन्स टू न्यू राइडर्स प्रेस कॉमा 2010 ब्रैकेट क्लोज कॉमा 22 एंड फुल स्टॉप. तो ये क्या हुआ, Turabian फुट नोट सब्सिक्वेंट रेफरेंस टू द टू अ सोर्स. अब हम देखते हैं Turabian बिब्लियोग्राफी की एंट्री. स्टीवर्ट फर्स्ट में, स्टीवर्ट एंड साइमंस, ठीक है, कॉमा द बिजनेस प्ले ग्राउंड वेयर क्रिएटिविटी एंड कॉमर्स कोलाइड कॉमा 22. ये क्या हुआ, Turabian बिब्लियोग्राफी एंट्री. ओके, अब हम देखते हैं लास्ट विच इज स्टीवर्ट कॉमा दवे एंड मार्क साइमंस द बिजनेस प्ले ग्राउंड वेयर क्रिएटिविटी एंड कॉमर्स कोलाइड फुल स्टॉप बार्कले न्यू राइडर प्रेस कॉमा 2010 फुल स्टॉप. तो ये डिफरेंसेस हैं, आपको डिफरेंस ही समझना है. Turabian ऑथर डेट साइटेशन एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं विच इज सेकेंड वेरिएशन, ठीक है, इन बुक. सो Turabian इन टेक्स्ट साइटेशन द बुक यूजेस सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम द ऑथर्स ओन लाइफ एक्सपीरियंस टू मेक द केस फॉर अ क्रिएटिव रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड बिजनेस वर्ल्ड स्टीवर्ट एंड साइमंस 2010, 22 ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप. ये क्या है, Turabian रेफरेंस लिस्ट एंट्री है. अब इसे हम साइटेशन Turabian ऑथर डेट साइटेशन एग्जाम्पल में देखते हैं तो स्टीवर्ट कॉमा दवे एंड मार्क साइमंस फुल स्टॉप 2010 फुल स्टॉप द बिजनेस प्ले ग्राउंड हाइफन्स वेयर क्रिएटिविटी एंड कॉमर्स कोलाइड फुल स्टॉप बार्कले हाइफन्स न्यू राइडर प्रेस फुल स्टॉप. सो देर इज लेस, कम से कम यहाँ पे यूज़ किया गया है कॉमा को. आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देर इज़ नो पेज नंबर, यहाँ पे कोई भी टाइप ऑफ पेज नंबर नहीं है. आपको ये चीज़ क्लियर देखनी है, समझनी है, देन आफ्टर यू विल हैव टू राइट. ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू हार्वर्ड, हार्वर्ड साइटेशन स्टाइल. सो व्हाट इज हार्वर्ड साइटेशन स्टाइल, हम देखते हैं हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल जो होता है इज ऑफन यूज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. स्पेसिफिकली ये किस फील्ड में यूज होता है, इकोनॉमिक्स की फील्ड में यूज होता है. देयर इज नो ऑफिशियल स्टाइल गाइड, यहाँ पे कोई भी टाइप ऑफ ऑफिशियल स्टाइल गाइड नहीं होता है. विच मीन्स देयर आर फ्यू वेरिएशंस, इसका मतलब होता है यहाँ पे बहुत कम वेरिएशंस होते हैं. करेक्ट, सम ऑर्गेनाइजेशन हैव पब्लिश देयर ओन स्टाइल्स गाइड फॉर हार्वर्ड स्टाइल. कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनका खुद का स्टाइल होता है, ओके, या उनका खुद का स्टाइल गाइड होता है. देखिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पब्लिशिंग सर्विस जिसे हम बोलते हैं AGPS, जैसे कि APS स्टाइल में आपने देखा था, हार्वर्ड भी वैसे ही होता है. हार्वर्ड स्टाइल इज बेस्ड ऑन एन ऑथर डेट सिस्टम. APS स्टाइल में भी यही चीज़ था. हार्वर्ड साइटेशन स्टाइल्स हम देखते हैं तो इनटेक्स्ट साइटेशन क्या है, द बुक यूजेस सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम द ऑथर ओन लाइफ एक्सपीरियंस मेक द केस फॉर अ क्रिएटिव रिवोल्यूशन इन द बिजनेस वर्ल्ड इन ब्रैकेट स्टीवर्ट एंड साइमन कॉमा 2010 कॉमा पेज नंबर 22 ब्रैकेट क्लोज. ओके, दिस इज व्हाट हार्वर्ड रेफरेंस लिस्ट एंट्री. नेक्स्ट देखते हम स्टीवर्ट कॉमा डी डॉट एंड डी स्टैंड्स फॉर द वे एंड साइमंस कॉमा एम फुल स्टॉप 2010 द बिजनेस प्ले ग्राउंड हाइफन्स वेयर क्रिएटिविटी एंड कॉमर्स कोलाइड फुल स्टॉप बर्कले iPhone's न्यू राइडर प्रेस. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द साइटेशन स्टाइल्स. अब हम देखेंगे एक दूसरा साइटेशन स्टाइल विच इज नोन एज वैनकोवर. वैनकोवर साइटेशन स्टाइल क्या होता है, ये एक्चुअली डेवलप हुआ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज मेडिकल जर्नल से. ओके, कहाँ से डेवलप हुआ, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल्स एडिटर्स ICMJE एंड इज मोस्टली यूज इन मेडिकल डिसिप्लिनस. स्पेसिफिकली ये किस में यूज़ होता है, मेडिकल डिसिप्लिन में ही यूज़ होता है. ठीक है, वैनकूवर स्टाइल्स वर्क विद द
न्यूमारिक सिस्टम, ये क्या होता है, न्यूमारिकल सिस्टम के साथ में ही काम करता है। इन द टेक्स्ट द सोर्स इज इंडिकेटेड बाय नंबर, यहाँ पे जो टेक्स्ट होते हैं वो नंबर में इंडिकेट किए जाते हैं, एंड द फुल सोर्स डिटेल अपीयर नेक्स्ट टू दैट नंबर इन द रेफरेंस लिस्ट, और पूरा जो सोर्स होता है वो क्या होता है, नंबर में ही रेफरेंस लिस्ट में अपीयर होता है पूरा डिटेल। ओके, सो वैंकूवर स्टाइल का एग्जाम्पल हम देखते हैं। वैंकूवर स्टाइल एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट साइटेशन, द बुक यूजेस सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम द ऑथर ओन लाइफ एक्सपीरियंस टू मेक द केस फॉर अ क्रिएटिव रिवोल्यूशन इन द बिजनेस वर्ल्ड। देखिए वन, ओके, वैंकूवर रेफरेंस लिस्ट एंट्री देखते हैं हम, वन डॉट स्टीवर्ड डी कॉमा साइमंस एम फुल स्टॉप, द बिजनेस प्ले ग्राउंड वेयर द क्रिएटिविटी एंड कॉमर्स कोलाइड, बार्कले न्यू राइडर प्रेस 2010। सो देयर इज मैनी वेरिएशंस बिटवीन एवरी स्टाइल्स, ओके, एवरी साइटेशन स्टाइल्स। सो जो बचा है नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं ऑस्कोला एंड अदर। ओके, सो हमने यहाँ तक का अभी बहुत सारे साइटेशन स्टाइल्स कवर कर चुके हैं। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप्स ऑफ साइटेशन स्टाइल्स यू विल हैव टू चूज। सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं, इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आर फॉर नाउ, थैंक यू।